मेरे सभी प्रभु भक्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातक जो है उनके इस वर्ष भाग्य खुलने वाले हैं। परेशानी तो है, तकलीफ तो है, कष्ट तो है, लेकिन उसके साथ जो है ही ज़्यादा किस्मत के धनी होंगे इस वर्ष 2024 में। कर्क राशि वालों को शनि की ढैया चलेगी, इस वर्ष परिश्रम के अनुरूप फल नहीं मिलेगा। विरोधी हावी होंगे, परिवार में मतभेद, झगड़े, झंझट होंगे। रोजी रोजगार में रुकावट आएगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है। शारीरिक कष्ट एवं अन्य परेशानी आ सकती है। मानसिक कष्ट होगा, कोई निकटस्थ व्यक्ति ही आपको धोखा दे सकता है। वाहन से सावधान रहें, चोट चपेट की संभावना है। जीवन साथी से मतभेद रहेगा, घर परिवार से अलग रहना पड़ सकता है। वयोवृद्ध महिलाओं में जो आपसे बड़े बुजुर्ग हैं, वृद्ध महिलाएं, उनका आशीर्वाद जो है आपके लिए कवच का काम करेगा। उनका आशीर्वाद ही आपको कवच के रूप में बचा कर रखेगा। मिथ्यापवाद का भय रहेगा, आप झूठे आरोप भी लग सकते हैं। आप जो है बचे रहिए, सावधान रहिए। सफेद वस्तु का दान करें। शनि की शांति के लिए उपाय हम आपको बताते हैं। शनि के साढ़े साथी व ढैया वालों को शांति के लिए शनि का जप दान करना चाहिए, जप करना चाहिए, दान करना चाहिए तथा शनि स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की आराधना, दर्शन, पूजन। शनिवार को पीपल के मूल में यानी कि जड़ में प्रातः समय यानी कि सुबह काले तिल सहित जल देना चाहिए तथा शाम को प्रदोष काल में दीपदान करना चाहिए। बंदर को गुड़ और चना खिलाना चाहिए, जिससे आपका जो है शनि जो है शांत होगा, हनुमान जी प्रसन्न होंगे। अगर हो सके तो शनिवार को सुंदरकांड का भी पाठ करें तथा काले घोड़े के नाल या फिर नाव के कांटी जो होता है कील की अंगूठी बना करके मध्यमा उंगली में धारण करें। काला तिल, अंजन, लोहा, सौंफ, धान का लावा को जल में डालकर स्नान करने से शनि दोष शांत होता है। तो इस तरह जो है शनि देव जो है जिनके जीवन में आते हैं, भले दुख तकलीफ होते हैं लेकिन बाद में वो माला माल भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शनि देव जो है सूर्य देव के पुत्र हैं तथा भगवान श्री विष्णु नारायण के ही अवतार है और महादेव जी के शिष्य हैं। महादेव जी उनके गुरु हैं, तो महादेव जी के शिष्य जो है किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं। वैसे तो शनिदेव जो है कर्म के अनुरूप मनुष्य को फल देता है। प्रभाव से बचने के लिए और भी प्रतिकार है। आप अगर रत्न धारण करना चाहते हैं तो आपके लिए शुभ रत्न है मुक्ता। धातु अगर पहन पाएंगे तो सोना, चांदी या फिर तांबा, ये तीनों में से कोई भी एक धातु की अंगूठी बनाकर धारण कर सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग है, शुभ कलर है सफ़ेद। शुभ दिशा है आपके लिए पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। आपके दिन आपके लिए शुभ दिन है सोमवार और शनिवार, ये दोनों दिन शुभ दिन है। आपका शुभ संख्या है नंबर 2। 2 के हिसाब से कोई भी कार्य अगर करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। आपके मित्र की राशि हैं तुला राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ये तीनों राशि जो है आपके परम मित्र हैं, आपके सहयोग करेंगे। और आपके शत्रु जो है बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं, इन सब शत्रुओं से बच के रहिए। आपके शत्रुओं की राशि होंगे मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। यहाँ तक कि ये सब राशियाँ जो है आपके घर के परिवार के भी हो सकते हैं, लेकिन घर के परिवार को छोड़ करके। उसके बाद अगर आप लॉटरी खेलने के शौकीन रखते हैं, शौक रखते हैं, हर महीने में आपको 2 तारीख, 7 तारीख, 11 तारीख, 16 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख और 29 तारीख को लॉटरी आप खेल सकते हैं। इसमें आपको फायदे ही फायदे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। जय श्री राम सीता।